अरे आ गई तुम, आज बहुत लेट हो गया। अरे हाँ, आज एक टेंडर पास हुआ था तो बॉस ने सरप्राइज पार्टी दिया था, तो डिनर करके आई हो। अच्छा, तुमने डिनर किया? हाँ, बस तुम्हारा इंतजार करते करते मैंने तो खा लिया, बहुत भूख लगी थी। अच्छा, तो मैं फ्रेश हो जाती हूँ, तुम बैठो, मैं आती हूँ। ठीक है। हेलो बेबी। क्या कर रहे हो वरुण, थोड़ा सबर नहीं कर सकते? मैं 2 मिनट में आ रही हूँ ना। देखो, तुम सबर की बात कर रही हो, बेबी तुम पूरा दिन ऑफिस में रहती हो और मैं वर्क फ्रॉम होम कर करके थक गया हूँ, और एक यही तो मौका मिलता है मुझे तुम्हारे करीब आने का। हाँ हाँ, थोड़ा फीलिंग्स पे कंट्रोल करो, मैं अभी आती हूँ, फ्रेश होके। और हाँ, पानी लेके आना। हाँ ठीक है। वही खुशबू आज भी मुझे बेचैन करती है, सर से पांव तक वही मिजाज। मुझसे दूर रह के तुम कैसे रह पाई? तुम्हें पाने की कितनी कोशिश की मैंने, इस दिन का तुम्हें बेसब्री से इंतजार कर रहा था मैं कि कब मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले पाऊं, और आज वो मौका आ गया, आ गया। अरे माही, माही, अरे कहां चली गई? पानी लेने भेजा था मैंने तुम्हें। अरे यार कहां चली गई ये? छोड़ो, छोड़ो मुझे, तुम हो कौन? छोड़ो मुझे। देखो तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, पैसे जवाहरात जो भी चाहिए, और हम पुलिस को भी नहीं बताएंगे। ए,
तेरे को मैं चोर दिखता हूँ? चोरी करने आया हूँ यहाँ पे? पूरा 2 साल इंतजार किया है मैंने इस मौके का, इसी वक्त का, कि यह वक्त आएगा और मैं अपनी चीज लेने आऊंगा। अरे चोर नहीं है अपुन, चोर नहीं है अपुन, बस अपनी चीज लेने आया है। कौन सी चीज? ये तेरी बीवी के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। पूरे 2 साल मैंने इसका इंतजार किया है और इसी दिन के लिए इंतजार किया था, और ये यहाँ पे ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। क्यों रे, क्या सोचा था तूने? क्या सोचा था कि मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? नहीं, नहीं, नहीं। अरे तेरे को ढूंढने के लिए मैंने कितना कुछ किया, जानती है तू कितना तड़पा हूं मैं? और तू जानता है तेरी बीबी के खातिर मैंने अपनी कॉलेज, अपनी पढ़ाई सब कुछ बर्बाद कर दिया, और इसने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। लेकिन आज मैं सब कुछ पाके रहूंगा। जो जो इसने मुझसे छीना था सब इससे सुसमेत वसूलूंगा। पर तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? और कौन हो तुम? कौन हो तुम आखिर? लगता है तेरी बीबी ने तुझे बताया नहीं। क्यों बताया नहीं इसको? हाँ? बताया नहीं कि हमारे बीच में क्या रिश्ता था? चल ठीक है, अब इसे मैं बताता हूँ। चल बैठ, बैठ जा, बैठ। तू जानना चाहता है ना कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मेरा मकसद क्या है? आज मैं तुझे सब बताऊंगा। आज से 5 साल पहले की बात है, जब हम कॉलेज में ना इसके साथ पढ़ा करते थे और हम इसे पसंद करते थे, तब से हम ठान लिए थे हम इसी के साथ जिएंगे, इसी के साथ मरेंगे और शादी भी इसी से करेंगे। अरे हम तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के इसके पीछे पड़ गए थे। अरे कहां कहां नहीं घूमा, बस स्टैंड, कॉलेज, दीवार के पीछे। अरे इसको छुप छुप के हम देखा करते थे। हर बार इसे हम अपने दिल की बात बताने की कोशिश की, लेकिन हमें क्या पता, इसके सीने में दिल नहीं, पत्थर है पत्थर। दिन रात हम इसके बारे में सोचा करते थे, हम रातों को सो नहीं पाते थे। पता है क्यों? क्योंकि हमें अपनी फीलिंग की बात इसको बतानी थी, लेकिन इसको हमारी बात समझ में नहीं आई। यहां तक कि इसके बाप को भी हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका बाप इससे भी ज्यादा पत्थर दिल निकला और साला चालाक भी निकला। मुझे बिना बताए इसकी शादी करा दी और शहर से दूर भेज दिया। अरे तेरे बाप को हमने कितनी बार टॉर्चर किया, लेकिन उस बुड्ढे ने अपना मुंह नहीं खोला। तब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा, इसका भाई। और वैसे भी वो कहते ना, किसी को अपने पूरे प्राण से चाहो, शिद्दत से चाहो, तो उसे मिलाने के लिए पूरी कायनात जुड़ जाती है। और आज 2 साल बाद मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब हम अपनी तमन्ना पूरी करेंगे जिसका हमें परसों से इंतजार था। देख अब मैं तेरी बीबी के साथ क्या करता हूँ। चल आज मैं तेरे साथ सुहागरात मनाऊंगा। तुम ठीक तो हो ना वरुण? हाँ
देखो माही, अब तुम टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तुम्हारा अतीत खत्म हो चुका है, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।